देखो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन 2:3। इसका ना चित्र जरूर बना लेना। ए -1:7, बी 4-3। ए बी के जॉइन को कोई पॉइंट है पी जो 2:3 में डिवाइड है, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट पूछिए, मान लो पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स अगर ये एम होता और ये एन, इधर x1 y1, इधर x2 y2, तो एक्स कैसे लिखा जाता, ये वाला इधर m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m+n, इधर लिखा था। एंड वाई कैसे लिखा जाता, m into y2 प्लस n into y1 अपॉन m+n। अब देखो x के लिए m कितना है यहाँ पे, 2 into 4 प्लस n कितना है 3 into -1 अपॉन 2+3। देखो जब x निकाला जाएगा ना, केवल x कोऑर्डिनेट यूज होंगे, इसका भी x कोऑर्डिनेट और इसका भी x कोऑर्डिनेट। देखो 4 यूज हुआ है और -1 यूज हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4 into 2 8 -3/5, तो 5/5 कितना हो गया 1, x मिल गया। यहाँ से y निकालते हैं, y इज इक्वल टू एम कितना 2 into -3 प्लस n कितना है 3 into y1 कितना है 7 अपॉन m+n यानी कि 2+3। तो y इज इक्वल टू 2 into 3 कितना हो गया -6 प्लस 7 into 3 कितना, 7 3 कितना हो गया 21/5, तो 51/5 कितना हो गया 3। जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1, ये कोऑर्डिनेट आ गए इस P पॉइंट, ठीक है। बस इतना ही फाइंड करने को काम है क्वेश्चन। हमें करना क्या, सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है, उसमें दोनों पॉइंट लिखने हैं, P पॉइंट लिखना है। रेशो दे रखा तो लिखो, नहीं दे रखा तो एम रेशो एन लिखो, x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूला लिखो, m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m+n y। अगर y यूज करें तो y कोऑर्डिनेट m into y2 प्लस n into y1 अपॉन m+n, और फिर वैल्यू पुट कर दो और क्वेश्चन।